इस फिल्म को सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी जाति धर्म अथवा व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, उनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है तो वह मात्र एक संयोग है। नाकाम हुई है। भारत के जवानों ने आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गुप्त सूचना मिलने पर भारतीय जवानों ने 20.5 आतंकवादी मार गिराए और उनके नापाक मंसूबे पर पानी फेर दिया। ये आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, मगर इन सब में भारत के 4 जवान शहीद हो गए। वो है राजेश, कमल, अंगद और दानिश। अभी अभी रक्षा मंत्री का बयान आया है, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे रक्षा मंत्री के पास। शहीद के परिजनों को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। जितने भी आतंकवादी छिपे हैं, एक एक को ढूंढ कर मौत के घाट उतारेंगे। उनकी ये नापाक इरादे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। तो दर्शकों, देखा आपने कि रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पे किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतेंगे। आज हमारा गांव एवं पंचायत धन्य हो गया, जो इस मिट्टी के लाल का खून देश के काम आया। गांव में जो स्कूल बन रहा है उसका नाम राजेश के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, हम राजेश की शहादत से काफ़ी दुखी हैं और हमें गर्व है कि वह हमारे विधानसभा क्षेत्र से है। इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र में उस राजेश के नाम से हम एक अस्पताल बनवाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजेश तेरा नाम रहेगा। राजेश भाई अमर है, राजेश भाई अमर है, अमर है, अमर है, राजेश भाई अमर है, राजेश भाई अमर है। चचा चचा संभाल लीजिए अपने आप को, हमारा राजेश देश के लिए शहीद हुआ है। उसने भारत माता का सिर झुकने नहीं दिया। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें तिरंगा का कफन नसीब होता है। बेटा, एक ही तो सहारा था मेरा, बुढ़ापे की लाठी थी, बहुत गर्व है उस पर जो देश के काम आया, मगर जिगर का टुकड़ा था मेरा। हाँ चाचा जी, मैं समझ सकता हूँ, वो मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा था। जितना दुख आपको है उससे कई ज्यादा मुझे भी है, पर आप ये देखिए, आज राजेश पूरे देश का बेटा है। आज उसकी शहादत की चर्चा पूरे देश में है। इसी बात का तो दुख है बेटा कि आज जिस राजेश की चर्चा इतनी हो रही है, नेताओं के तरफ से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। क्या मेरे बेटे को शहीद का दर्जा मिलेगा या उसके नाम पर जाए। फटा हुआ माता का आंचल वो बढ़कर सीने वाले, तुझे बधाई हो पागल, मरकर जीने वाले, मरकर जीने वाले।
टू वन एन एक्शन। चाचा जी मैं समझ सकता हूँ, वो मेरा दोस्त कम भाई ज्यादा था। अब कुछ याद है